अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो है ना मौसम का जो है कुछ अजीब सी सूरत हाल है आजकल। कभी जो है ना एकदम से धूप में बारिश हो जाती है और कभी बारिश में धूप आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही। तो हमारी तरफ तो यही मौसम हो रहा है। और देखें जैसे ही जाने का नाम लो तो बादल आ जाते हैं एकदम। तो खैर अब ये सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा, पर बादल बड़े प्यारे आ जाते हैं। अभी हमने चाय बनाई थी तो अब हम चाय पियेंगे, क्योंकि चाय जो है ना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाय बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए चाय हम पीते रहते हैं। तो सबके लिए चाय बनाई थी और चाय के साथ मैं क्या खाऊंगी आज, ये देखें जी। ये जो है ना, इसको पाए पता नहीं कहते हैं, शायद पाए कहते हैं, चॉकलेट पाए, ये मैंने लिया था तो खाया नहीं। मैंने सोचा चाय के साथ खाऊँगी तो ये बड़े मज़े का लगता है। तो मुझे चॉकलेट वाली चीज़ें जो है ना वो बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादा चॉकलेट ही खाती रहती हूँ। तो चलें अब मैं चाय पीऊँगी और साथ में अपना टार्ट जो है इसको इंजॉय करूँगी। और आप में से किस किस को चॉकलेट पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये प्लांट जो है ना, ये मैं कल नर्सरी से लाई थी, तो अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, बड़े प्यारे हैं ये छोटे छोटे से। ये 50 रुपीज़ का जो है ना एक पॉट आया था, तो खैर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अभी मौसम इसका कुछ मिला जुला ही है, तो लेकिन चलो मैंने कहा चलो कुछ दिन ही इंजॉय कर लेंगे, तो इसके कलर जो है ना अच्छे लगते हैं। बाकी वो भी दो पॉट पड़े हुए हैं, तो खैर अभी मैं इनको इंजॉय करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी फ्लावर जो है ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो देखें कलियाँ भी बहुत सारी आई हुई हैं। तो इसको कहते हैं विश बोन, कहते हैं इस प्लांट को। ये देखें जी, मेरे विश बोन की प्लांट जो है, ये कटिंग से भी लग जाते हैं और जो है ना वैसे भी सीड से भी लग जाते हैं। तो ये जो कोने वाला ना, इसके भी बड़े प्यारे कलर है, पर्पल और वो ऐसे जैसे पेंजी के फ्लावर होते हैं ना सर्दियों के, उस तरह के हैं ये, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो खैर अभी मैंने इनको शेड भी रखाई हुई है, इसको मैंने भी ट्रांसफ़र नहीं किया हुआ। तो अभी मैं बालों में ना ऑयल लगाने लगी थी, तो आजकल मैं ये वाला ऑयल लगा रही हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा है, आमला ऑयल है। तो ये मैंने 100 रुपीज़ की ली थी बॉटल, तो अभी इतनी सी हो गई है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा गर्म करके तो बालों पे लगा लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है ना इसका आ जाता है। तो आमला का जो तेल होता है ना वो अच्छा ही होता है, आप किसी भी कंपनी का ले लें, सारों का ही जो है ना आपको सूट कर जाता है। तो बस ये छोटा सा ही व्लॉग था, कुछ ख़ास है नहीं आज। ये भी मेरे कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं और ये भी मैंने कटिंग लगाई हुई है एक प्लांट की इस तरह से, तो अभी तक इसकी रूट्स नज़र नहीं आई मुझे, जब आएंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये भी इस तरह से प्रोपोगेट होता है। तो खैर मुझे गार्डनिंग का काफ़ी शौक है, तो ये यहाँ पर भी थोड़े बहुत प्लांट जो है ना रखे हुए हैं। तो चलें दोस्तों, छोटा सा ही मैंने बनाना था आज व्लॉग, क्योंकि बड़े दिन हो गए हैं कोई वीडियो मेरे चैनल पर नहीं आई थी। चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको ज़्यादातर ब्यूटी टिप्स की ही वीडियो मिलती हैं, पर कभी कभी जो है ना गलती से व्लॉग भी आ जाता है। तो ओके जी, इजाज़त चाहती हूँ, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।